आपके लिए लेकर आए हैं 22x50 के डायमेंशन में बना हुआ ये शानदार ट्रिप्लेक्स हाउस, 5+1 BHK ये हाउस है। और साथ ही इस घर की सबसे खास बात जो हमने आपको बताई है वो है इसकी लिफ्ट की फैसिलिटी, जो आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो सीधा आपको आपके रूफ टॉप एरिया तक लेकर जाएगी। साथ ही वास्तु के अकॉर्डिंग आपके फ्रंट गेट को देखते हुए आपको यहाँ मिल जाता है ये प्यारा सा मंदिर एरिया। इस तरीके से आप इनको क्लोज कर सकते हैं। किचन वो भी बहुत खास है, आप देखिए स्लाइडिंग डोर के साथ होने वाली है इस तरीके से। साथ ही में इसमें हमने आपको वेट एरिया को आपके काउंटर टॉप में देने की बजाय सेपरेट दे दिया है। कि बैक साइड वॉल पर देखिए बहुत ही प्यारा वर्क है लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ में, तो ग्लास वार्डरोब दिए देखिए ऑटोमेटिक लाइट के साथ रहेगा। तो ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम, ये ब्यूटीफुल शैंडलियर यहाँ से आप देख सकते हैं। इतने सारे बेडरूम है, आपकी पूरी फैमिली के हर मेंबर के लिए आपको बेडरूम यहाँ पर दिया है। इस बेड में भी आपको स्टोरेज दिया है, ये देखिए हिडन स्टोरेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता शर्मा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य फाइन होम्स में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर की सबसे प्राइम लोकेशन मेन वैशाली में, नेशनल हैंडलूम के जस्ट पीछे। आपके लिए लेकर आए हैं 22x50 के डायमेंशन में बना हुआ ये शानदार ट्रिप्लेक्स हाउस, 122 गज में बना हुआ है, JDA अप्रूव्ड। साथ ही दोस्तों 5+1 BHK ये हाउस है। साथ ही ड्रॉइंग एरिया सेपरेट रहेगा। इसके सेकेंड फ्लोर पर आपको मिल जाते हैं 2 बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे 2 बेडरूम प्लस स्टडी एरिया, और इसके ग्राउंड फ्लोर पर आपको 1 बेडरूम साथ ही ड्राइंग एरिया सेपरेट मिल जाता है। 2 विला हमारे पास यहाँ है, जिसमें से 1 सोल्ड आउट हो गया है, 1 अभी हमारे पास अवेलेबल है। इसका वर्क आप देख सकते हैं बाहर से काफी प्यारा रहेगा, टेक्सचर वर्क रहेगा। और यहाँ से विला की एंट्रेंस आ जाती है, हैवी आयरन डोर आपको मिल जाता है। यहाँ से सीधा आपकी एक कार अंदर पार्क हो जाएगी, देखिए काफी शानदार पोर्च एरिया आपको मिल जाता है। पार्किंग में भी आप देखिए इसका जो सीलिंग है वुडन टेक्सचर वर्क मिल जाएगा, प्लस एक गैलरी आपको यहाँ पर दी गई है। साथ ही शूर एक की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है, और एक सेपरेट एंट्रेंस यहाँ से रहेगी आपके ड्रॉइंग एरिया में, जिससे कि आपके कोई गेस्ट आते हैं तो वो यहाँ से इजीली एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा मेन एंट्रेंस, आप देखिए ट्रेडिशनल डोर आपको यहाँ पर डबल डोर मिल जाते हैं, वायरमेस डोर रहेगा। साथ ही में आपको यहाँ पर मेन एंट्रेंस पे मिल जाता है आपका हैवी थिकनेस के साथ वुडन डोर, और यहाँ से एंटर करते ही आप देखेंगे शानदार डाइनिंग स्पेस आपको मिल जाता है। और साथ इस घर की सबसे खास बात जो हमने आपको बताई है वो है इसकी लिफ्ट की फैसिलिटी, जो आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो सीधा आपको आपके रूफ टॉप एरिया तक लेकर जाएगी। तो आपके फैमिली का हर मेंबर और आपका गेस्ट इसको ईजिली यूज कर सकते हैं। ये शानदार डाइनिंग स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसके जस्ट ऊपर डबल सीलिंग हाइट वर्क मिल जाएगा ब्यूटीफुल शैंडलियर के साथ। साथ ही वास्तु के अकॉर्डिंग आपके फ्रंट गेट को देखते हुए आपको यहाँ मिल जाता है ये प्यारा सा मंदिर एरिया, ये देखिए डोर के साथ में रहेगा, और ये मूवेबल डोर है, इस तरीके से आप इनको क्लोज कर सकते हैं आराम से, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। साथ ही में आपके एंटरटेनमेंट के लिए ये हो जाता है LED स्पेस, जो कि फुल सीलिंग तक रहेगा। यहाँ पर डाइनिंग एरिया के बिल्कुल पास आपको मिल जाएगी किचन, वो भी बहुत खास है, आप देखिए स्लाइडिंग डोर के साथ होने वाली है इस तरीके से। तो दोस्तों 8x13 के डायमेंशन में स्लाइडिंग डोर वाली किचन हमने आपको दी है। साथ ही में इसमें हमने आपको वेट एरिया को आपके काउंटर टॉप में देने की बजाय सेपरेट दे दिया है, डबल सिंक आपको दे दिया है, तो कितने भी आपके बर्तन हैं इजीली यहाँ पर सेपरेटली वॉश हो जाएंगे। साथ ही इस किचन में आपको मिल जाता है बर्नर, चिमनी, और इसी के साथ साथ माइक्रोवेव ओवन, फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो ऑल इन वन किचन आपकी ये हो जाएगी, साथ ही साथ वेंटिलेशन तो बहुत ही शानदार इसमें बना रहेगा। ये आपका वेंटिलेशन का सोर्स रहेगा, यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, और एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको यहाँ पर दे दिया गया है। और साथ ही में दोस्तों ये जो ड्रॉअर्स आप देख रहे हैं सारे के सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ में हो जाते हैं, तो ये हमारी फुल्ली मॉड्यूलर किचन हो जाती है। साथ ही साथ में दोस्तों इस विला की प्राइस की बात करें तो 2,70,00,000 में एज इट इज 5 BHK फुल्ली फर्निश्ड हाउस आपको मिल जाता है, वो भी JDA अप्रूव्ड ट्रिप्लेक्स ये हाउस रहेगा। साथ ही ये आप देखिए आपको ड्राइंग एरिया जो बिल्कुल सेपरेट यहाँ पर दिया गया है, और इसके लिए एंट्रेंस भी आपको यहाँ से सेपरेट मिल जाती है सीधा। यहाँ से आप देखेंगे आपके कोई भी गेस्ट हैं या आप कोई मीटिंग वगैरह भी करते हैं तो यहाँ से इजीली एंटर कर सकते हैं। प्रॉपर सिटिंग स्पेस दिया है, इसके बैक साइड वॉल पर देखिए बहुत ही प्यारा वर्क है लाइटिंग इफेक्ट्स के साथ में, ब्यूटीफुल यहाँ पर क्रिस्टल शैंडलियर दिए हैं, AC आपको यहाँ पर लगा कर दिया जा रहा है। साथ ही जो ग्लास डोर है इसके साथ ये स्पेस बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। तो ये हमारा लिविंग डाइनिंग एरिया हो जाएगा, जो कि रहेगा 14x15 के डायमेंशन में।
चलिए अब देख लेते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम जो हमारे मंदिर के बिल्कुल पास आ जाता है। तो ये आ जाता है फर्स्ट बेडरूम 15x13 के डायमेंशन में। हर एक बेडरूम काफी स्पेशियस रहने वाला है और डिफरेंट थीम के साथ रहेगा। जैसे इसमें कुशन वर्क आपको सीलिंग तक दिया है, राइट साइड में आप देखेंगे लैंप लगाए हुए हैं, यहाँ पर आपको ग्लास वार्डरोब दिए, देखिए ऑटोमेटिक लाइट के साथ रहेगा, ओपन करते ही अपने आप ऑन हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर वाइड लुकिंग मिरर आ जाता है, तो ये पूरा आपका ड्रेसिंग एरिया रहेगा। ये हो जाता है LED स्पेस, AC आपको इस रूम में भी लगा कर दिया जाएगा। प्लस जो आपका वॉशरूम है वो सेपरेट यहाँ पर हो जाता है, ये देखिए जैगुआर की ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी। वेट एरिया बिल्कुल सेपरेट यहाँ पर रहेगा और वेंटिलेशन भी प्रॉपर इसमें डक्टिंग वेंटिलेशन दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो जाता है। अभी चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पर हमें मिल जाएंगे 3-3 बेडरूम्स। तो इसके फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिल जाते हैं 2 बेडरूम प्लस स्टडी रूम। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ से आपके स्टेयर्स का प्रोविजन आ जाता है, वुडन रेलिंग रहेगी, टफन ग्लास का यूज किया है, फुट लैंप भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिफ्ट से भी आप आ सकते हैं सीधा, और यहाँ पर भी आपको 2 काउच प्लेस करके दिए हैं सिटिंग स्पेस के लिए। प्रॉपर वॉलपेपर का वर्क रहेगा, प्लस यहाँ से आप देखिए बहुत ही प्यारा आपको डबल सीलिंग हाइट वर्क मिल जाता है। और यहाँ रहेगा हमारा स्टडी रूम, तो आप इसे स्टडी रूम भी बना सकते हैं, ऑफिस वर्क के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रॉपर आपको यहाँ पर स्टडी टेबल मिल जाता है, प्लस एक गैलरी मिल जाएगी, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहेगा। और वार्डरोब भी आपको इसके अंदर 2 वार्डरोब दी गई है। और इसी के बिल्कुल पास में आ जाता है हमारा ये सेकंड बेडरूम जो कि काफ़ी स्पेशियस है। आप देखिए बहुत अच्छे स्पेस के साथ में रहेगा, 15x11 का डायमेंशन हो जाता है और बिल्कुल डिफरेंट थीम में है। जैसा कि आपने पहला बेडरूम देखा, यहाँ पर इस तरीके से वुडन पैनलिंग की गई है और यहाँ पर आपको स्लाइडिंग डोर के साथ में मिल जाती हैं वार्डरोब्स, इनबिल्ट लाइट के साथ रहेगा। यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है और इसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज भी आपको दिया गया है। साथ ही ये रहेगा हमारा LED स्पेस स्ट्रिप्स वर्क के साथ में, AC इस रूम में भी आपको मिल जाएगा। और ये रहेगा हमारा सेपरेट वॉशरूम, प्रॉपर स्पेस है, जैगुआर की ब्रांडेड फिटिंग्स है। इसके अंदर भी आपको गीजर लगाकर दिया जा रहा है, प्लस जो वेट एरिया है टफन ग्लास के साथ में बिल्कुल सेपरेट रहेगा। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं थर्ड बेडरूम। तो ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम, अगेन डिफरेंट थीम में है। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं काफी प्यारा यूज किया गया है, ग्रीन का कॉम्बिनेशन रहेगा और बहुत ही अच्छा वर्क रहेगा। वॉलपेपर वुडन पैनलिंग का कंबाइंड वर्क है। स्पेस इतना अच्छा है कि 2 काउच यहाँ पर प्लेस करके दिए जा रहे हैं। वाइड विंडो यहाँ से मिल जाती है जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। साथ ही साथ आपको एक बालकनी भी मिल जाएगी इस रूम के अंदर, डबल डोर के साथ हो जाती है। ये वायर मैच डोर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। फ्लोरिंग देखिए वुडन टेक्सचर टाइल्स का यूज़ किया है और ऊपर भी आपको वुडन वर्क मिल जाता है कंसील लैम्प के साथ। यहाँ से आप देख सकते हैं जो सराउंडिंग है आसपास का, मेन वैशाली के अंदर लोकेटेड है ये, पूरा रेजिडेंशियल लोकेशन रहेगी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी है प्राइम लोकेशन के साथ साथ। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। साथ ही इसमें आप देखिए जो आपका बेड है, इसके अंदर आपको स्टोरेज मिल जाता है, बॉक्स स्टोरेज रहेगा, LED स्पेस यहाँ पर आ जाएगा, AC इस रूम में भी आपको लगा कर दिया जा रहा है। तो आप देखिए दोस्तों हर एक चीज़ आपको इसमें इंक्लूड करके दी जा रही है ताकि इस घर में आने के बाद एक भी एक्स्ट्रा पैसा आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए आपका ड्रेसिंग स्पेस हो जाता है, स्लाइडिंग डोर के साथ में वार्डरोब रहेगी, लुकिंग मिरर रहेगा और ये रहेगा हमारा वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस है। इसमें भी वेट एरिया आपको सेपरेट करके दिया हुआ है, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, गीजर भी आपको हर वॉशरूम में लगा कर दिया जा रहा है। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। आप देखिए चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर के ऊपर। सेकंड फ्लोर पर हमें मिल जाएंगे 2 और बेडरूम, तो 5 बेडरूम प्लस स्टडी रूम ये हाउस है दोस्तों। 122 गज में काफ़ी अच्छा स्पेस मैनेजमेंट करके इस घर को बनाया है, काफ़ी प्रैक्टिकल बनाया गया है। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड फ्लोर। ये ब्यूटीफुल शैंडलियर यहाँ से आप देख सकते हैं इस स्पेस की शोभा को और बढ़ा देता है। साथ ही यहाँ पर भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट करके दिया है, ब्यूटीफुल पिंक सोफा। 2 बेडरूम यहाँ पर दिए हैं, चलिए ये बेडरूम देख लेते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग के साथ में ही हो जाता है हमारा मास्टर बेडरूम, जो कि 17x13 के डायमेंशन में रहेगा, काफ़ी स्पेशियस है। प्लस इसका वर्क आप देख सकते हैं, इसमें कुशन वर्क फुल सीलिंग तक आपको दिया है, ये ब्यूटीफुल लैंप मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ एक विंडो दी है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए, एक काउच प्लेस किया गया है, दोनों साइड में एक एक काउच आपको मिल जाता है। इसी के साथ इस बेड में भी आपको स्टोरेज दिया गया है, ये देखिए। साथ ही साथ में इस रूम में एक गैलरी मिल जाती है, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपके रूम में इस गैलरी के थ्रू बना रहेगा, ये देखिए काफी अच्छा वेंटिलेशन यहाँ से रहेगा। क्लोथ्स भी आप ड्राई करने के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। एलईडी स्पेस यहाँ पर आ जाता है डिफरेंट वर्क के साथ। एसी इस रूम में भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ आ जाता है हमारा ड्रेसिंग एरिया, काफी स्पेशियस रहेगा। आप देखिए दो वार्डरोब आपको मिल रही हैं, और यहाँ पर हमारा वॉशरूम आ जाता है सेपरेट, बेड एरिया बिल्कुल सेपरेट है, गीजर आपको इसमें भी लगा कर दिया जा रहा है। तो ये हमारा फोर्थ बेडरूम हो जाएगा। चलिए फिफ्थ बेडरूम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतने सारे बेडरूम है, आपकी पूरी फैमिली के हर मेंबर के लिए आपको बेडरूम यहाँ पर दिया है, काफी यूजफुल रहेंगे। ये आपका हो जाता है बेड, और इस बेड में भी आपको स्टोरेज दिया है, ये देखिए हिडन स्टोरेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और साथ ही में यहाँ भी काफी शानदार स्पेस रहेगा, दो काउच यहाँ भी आपको प्लेस करके दिए जा रहे हैं, प्रॉपर विंडो रहेगी, यहाँ से वेंटिलेशन भी रहेगा, साथ ही साथ में इसमें भी आपको बालकनी दी जा रही है, ये देखिए ये फ्रंट बालकनी आ जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं बाईपास भी आपको बिल्कुल सीधा यहाँ से दिख जाएगा, पूरा रेजिडेंशियल कॉलोनी है। और ये रहेगा हमारा एलईडी स्पेस वाइट थीम के साथ। और यहाँ पर आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम, एंटर करते ही यहाँ पर आ जाता है आपका ड्रेसिंग स्पेस, दो वार्डरोब रहेंगी, वाइट लुकिंग मिरर आ जाता है, और यहाँ आ जाता है हमारा वॉशरूम, अटैच वॉशरूम रहेगा, एंटर करते ही आप देखिए वेट एरिया इसमें भी बिल्कुल सेपरेट आपको दिया है, हर वॉशरूम में वेट एरिया सेपरेट करके दिया है, गीजर आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ बेडरूम। अभी चलते हैं इस घर के रूफटॉप एरिया पर, जहाँ पर आपको गजीबो बनाकर दिया हुआ है। तो चलिए हम लिफ्ट से चलते हैं। तो चलिए लिफ्ट से चलते हैं इसके रूफटॉप एरिया पर। तो हम आ गए हैं हमारे रूफ टॉप एरिया पर, ये देख सकते हैं काफी शानदार स्पेस है, और आपके रूफ टॉप को दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड किया है, यहाँ से सीधा आप देख सकते हैं आपका डाइनिंग एरिया आपको विजिबल हो जाता है। तो दो पार्ट में हमारा रूफ टॉप एरिया है, एक साइड में हमें आप गजीबो यहाँ पर बना करके आपको दिया है, ये देखिए पूरा गार्डन एरिया यहाँ पर क्रिएट किया है, और ये गजीबो हो जाता है, यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ में बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इवनिंग मॉर्निंग की टी एंड कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, साथ ही कोई फैमिली फंक्शन है तो वो भी आप इजीली यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको व्यू नज़र आएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी फ़ोटोज़ और इसका फ्लोर प्लान मिल जाएगा। तो अगर आपको ये विला पसंद आया है तो जल्दी से इसको विजिट करें। प्री विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।